विदिशा में अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस विभाग के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित, जिसमें उन्होंने बताया कि कई स्थान है जहां पर आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग सरकारी भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं। उन्हें उसी स्थान पर पट्टे दिए जाने की मांग ज्ञापन के जरिए की गई है। इस मांग की पूर्ति न होने की सूरत में पूरे जिले और प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई। जगन्नाथ अहिरवार, एसटी डिपार्टमेंट, जिला अध्यक्ष। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को एक आह्वान करना चाहते हैं कि आज विदिशा जिले में 1536 गांव हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति हर गांव में निवास कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति आदिवासी समाज के जो वर्षों से जमीन पर कब्जेदार हैं और आज भी वर्तमान में वो खेती कर रहे हैं, आज तक 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हम मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि इन्हें आने वाले समय जो वर्षों से कब्जेदार, इसकी सर्वे तत्काल करके इनको आप पट्टे दिए जाएं और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विभाग के आधार से जो नियम लागू है उनको तत्काल नियम लागू किए जाएं, और पट्टे न मिलने पर हम विदिशा जिले में आंदोलन और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल की कार्रवाई की जाए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आवेदन दिया, निवेदन करते हैं कि विदिशा जिले की 5 विधानसभा 536 जो गांव हैं, सभी में हरिजन आदिवासी लोग जो निवास करते हैं, उन्हों के लिए जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही उनकी विषय में मांग की है। और जो कुछ लोगों को जमीन सरकारी पे जो अब कब्जे हैं, पहले से दिग्विजय सिंह जी के ज़माने पर जमीन जो मिल गई थी लेकिन पट्टे नहीं हो पाए थे किसी कारण से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं उन जमीन का सभी को सर्वे करवा के पट्टे दिया जाए, सभी को अपनी अपनी भूमि को काबिज किया जाए, जो भी शासन से लाभ मिलता है उनको लाभ दिया जाए। और कुछ ग्रामीण ऐसे हैं इस गर्मी में इस साल पानी से बहुत बुरी तरह झुलसे हैं, तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बार 5 बार 17 विधानसभा का बीजेपी का, और 10 साल पहले अपनी सरकार रह चुकी है कांग्रेस बीजेपी की प्रदेश में केंद्र में भी, तो मोदी से भी जी से भी निवेदन करते हैं कि इन सभी गांवों में ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, जिससे ताकि सभी लोग सुकून से अपना जीवन यापन कर सकें।